के मेरे को अकल आया कि ये फ्रॉड है, मैनिपुलेट करता है, चोर है, फ्रॉड है। तो दम भी हो यार। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में इतनी बड़ी गलती कर बैठूंगी, इतना बुरा दिन मेरे जिंदगी में आएगा। बहुत बड़ी गलती मैंने कर लिया है, बहुत बुरा दिन मुझे दिखने मिल रहा है। अब क्या करूं आगे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर यही कोशिश करूंगी कि अब से मैं ऐसा कुछ गलती ना करूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह, मतलब सुबह नहीं, अभी 10 बज रहा है तो ज़्यादा सुबह नहीं, और आज मैं ऑफिस में भी नहीं गई थी कि गई हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम अभी बैंक में आ गया है। तो मैं अभी बैंक जा रही हूँ, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, इसके वजह से मेरा कुछ गलती मैंने किया है और इसके वजह से मेरा बैंक में प्रॉब्लम हुआ है। और वो क्या है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी वो सारे चीज़ से बचे रहे, अलर्ट रहे। सो पहले मैं जाती हूँ सब कुछ करके, फिर आके फिर आप लोगों से मैं बात करती हूँ। गए हैं और बैंक में जाके देखती हूँ क्या हो पाता है। सो आप लोगों से मैं बाद में मिलती हूँ। का काम पूरा ऑलमोस्ट हो गया है, अब जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा है। सो हम लोग अन्ना दादा के पास जा रहे हैं। मैं अभी खा रही हूँ यहाँ का बड़ा और बहुत ही यम रहता है, और किसी ने थोड़ा सा लाते वक्त ही थोड़ा सा खा भी लिया है। यहाँ का जो दादा बनाते हैं उनको हम लोग अन्ना दादा बोलते हैं क्योंकि वो कोलकाता का नहीं है, वो बाहर का है, केरला का है, और बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यम्मी सा चटनी बनाता है और खा के बस मज़ा आ जाता है। इनसे अच्छा और साउथ इंडियन कोई कोलकाता में नहीं बना सकते, बेस्ट है। एंड कोलकाता का वेदर आज समझ में नहीं आ रहा है, कभी इतना ज़्यादा धूप निकल रहा है, कभी छाव है, पता नहीं बारिश होगा कि नहीं, पर वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है और कितना अच्छा लग रहा है। और ये है कोलकाता का 7 पॉइंट पार्क सर्कस, और मेरा घर बस बगल में ही है, और माँ ब्रिज भी दिख रहा है जैसे कि आप लोगों को दिखाया मैंने अभी। और देखो, बोलते ही जाते जाते कितना ज़्यादा बारिश भी हो गया है, समझ में नहीं आता है कभी बारिश होता है, कभी नहीं होता है, कभी धूप भी रहता है। हे गाइस, कल मैं बैंक से आने के बाद सो गई थी क्योंकि जो सारी चीज़ प्रॉब्लम हुआ था उसके वजह से मैं रात भर सोई नहीं थी, और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा था तो थोड़ा लेट से भी घर पहुंची थी। इसलिए मैंने और कुछ सूट नहीं किया क्योंकि वो दिमाग, मतलब वो वाला चीज़ में मैं नहीं थी, जोन में नहीं थी कि मैं सूट करूँ कुछ बोलूँ। तो आज है 2nd डे, तो मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था वो ये था, अचानक से एक फ़ोन आता है 4-5 के करीब, फिर बोलते हैं कि आप फ़ोन पे यूज़ करते हो तो आपका जो कैशबैक जो जमा हुआ है 2200 रुपया वो आप क्यों नहीं ले रहे हो। मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, तो बोला कि हाँ मैम ऐसा है, हम लोग ये बैंक से बोल रहे हैं, फलाना ढमकाना ये वो। एंड मीन कितनी बड़ी गद्दी हो, उसके हर एक बात में मैं भरोसा कर लेती हूँ। फिर मुझे बोलता है, मेरे को OTP वगैरह नहीं मांगता है तो मेरे को शक नहीं होता है उस पर, ठीक है, जिस हिसाब से वो बात कर रहा था। फिर मेरे को बोला कि आप अपने फ़ोन पे ओपन कीजिए, फिर वहाँ पे नोटिफिकेशन में जाके देखिए आपके नंबर से आपको एक मैसेज आया था और मेरा नंबर शो कर रहा था। तो बोला कि वहाँ पे आपको 1100 सेंड करना है। मैंने बोला क्यों ऐसा करना है, बोला आप वो सेंड करिएगा तो आपको जो पैसा है आपको फिर हम लोग फिर रिटर्न देंगे स्क्रीन शॉट। वो एक्चुअली मैं पूरा उतना डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ कि क्या क्या बोला है, जिस हिसाब से मैनिपुलेट करता है, जिस हिसाब से बातें बोलता है, क्योंकि वो लोग चोर है, फ्रॉड है, तो वो लोग ऐसा, तो मैं तो पहली बंदी हूँ नहीं, बहुत कोई को उन लोगों ने ठगा होगा, उन लोगों का काम ही ऐसा है। तो ऐसा करके बोलता है कि सामने वाला, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और हो, अगर जिसको उतना पता नहीं होता है उसकी बातों में आना ही आना है। जब 3 बार मैंने 1100 करके सेंड किया, फिर 4th टाइम 3400 समथिंग कुछ,
फिर मेरा टोटल अमाउंट 7,748 रुपीज ऐसा हो गया। तब जाके मेरे को अकल आया कि ये फ्रॉड है। फिर मैंने बोला तो आप फ्रॉड है, आप ये बोल, ठीक है आप मेरा नंबर ले लीजिए, ऐसा करके बात कर रहे कॉन्फिडेंटली, आप मेरा नंबर ले लीजिए। मैंने बोला पुलिस को हम कंप्लेंट, बोला हाँ ठीक है आप कर लीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, हम लोग फ्रॉड नहीं है, ये वो बोल के मैंने फोन को ब्लॉक करके जल्दी से मैंने अपना बैंक में कॉल किया, अपना ATM कार्ड को ब्लॉक किया और मेरा सारी चीज को मैंने ठीक, मतलब वो सारी चीज करके कंप्लेन किया वगैरह वगैरह। फिर वहां पे मुझे बोला कि ये फ्रॉड है, आपका पैसा चला गया है और आपको मतलब अपने आसपास में जो आपके जो मतलब ब्रांच है वहां पे जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेटमेंट वगैरह वगैरह फिल करना होगा, साइबर क्राइम में आपको कंप्लेन करना होगा और एक लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेन करें। पर ये सारी चीज मैंने बोला, मैंने सुना, मैंने अपना बॉयफ्रेंड को कॉल किया, फिर उसने मुझे वो कभी मुझे ये नहीं बोलते कि हाँ तूने तो ये कर लिया गलत। मैंने गलती तो मैंने किया है, वो सबको पता है, मैं तो बोल रही हूँ मुझसे गलती हो गई है, मैं समझ नहीं पाई एंड बातों पे आके मैंने कर लिया है। पर वो कभी मेरे को उस टाइम पे नहीं करते, वो मेरे को समझाया, बोले कि तुम शांत हो जाओ, तुम टेंशन मत लो और ऐसा होता है बाबू ये वो मुझे हिम्मत दिया। फिर हमको बोला कि देखो दिमाग से निकाल दो कि पैसा मिलेगा, 95% पैसा मिलेगा नहीं, यहाँ तक 99% भी नहीं मिलता है, 1% बहुत ही लकी होता है उन लोगों को मिल जाता है। सो पैसा तो गया समरीन। और रही बात तो यहाँ वहाँ जाके कंप्लेन करना, वो कोई काम का नहीं होता है, वो सिर्फ करना ही होता है, बट फिर भी हम लोग कल सुबह जाएंगे फिर कर लेंगे। फिर हम लोग गए जाके सारे चीज़ कर लिए, तो बैंक में भी जो मैनेजर है वो अच्छे मेरे बॉयफ्रेंड का अच्छा मतलब दोस्त है, क्योंकि उनका सारे फैमिली का अकाउंट और मेरा बॉयफ्रेंड का वो सारी चीज़ वही मतलब देखता है। तो उसने भी मुझे बोला कि सब कुछ तो कर ही दिया हम लोग अपने साइड से, आपने भी सब कुछ कॉपरेट किया, बट मिलेगा ये चीज़, आप होप छोड़ दो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, और मिल गया तो अच्छी बात है बट नहीं रखो, ऐसा कुछ बोला। फिर हमको समझाया कि कैसे क्या होता है, कैसे वो लोग बात करते हो, सारी चीज़ बोल बाल के फिर मैं घर आई। पर घर आते आते आप लोगों को जैसे मैंने रास्ते में दिखाया बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, जैसे कि आजकल कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा सुबह शाम रात तो बारिश हो रहा है, फिर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट, थोड़ा सा दुखी, ये सारी चीज़ था। तो फिर थोड़ा लेट से आई, तो फिर अब कैमरा ऑन करके मैं कुछ और शूट नहीं कर पाई, और पूरा रात मैं जाग के थी, तो फिर मैंने नहा धो के मैं थोड़ा सो गई थी। चल ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे ये समझाया कि देखो अगर बड़ा कुछ होता उससे अच्छा कि छोटा में वो बाला मुसीबत निकल गई, ये सोचो कि तुम अपने जान का सदका किसी को दे दिया, ये वो मतलब मेरे को अच्छा फील करवाने के लिए ये सारी चीज़। तो एनीवे मैंने तो गलती किया है, मैंने मेरे को ये सारी चीज़ बोलने का एक ही मेरा मकसद था कि आप लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के पास भी ऐसा कोई अगर फ़ोन आए कि आपका फ़ोन पे कैश, आप फ़ोन पे यूज़ करते हो तो आपको कैशबैक आप रिसीव नहीं करते हो, या फिर पेटीएम या फिर गूगल पे या फिर वट एवर कुछ भी आपको OTP मांगे ना मांगे, वो लोग इतना शातिल होते हैं, OTP वगैरह नहीं मांगते, आपको खुद बोलते हैं किसी को OTP नहीं देना, ये वो बहुत सारा फलाना ढमकाना बातें करेंगे, कोई भी किसी का बात पे आना नहीं है। और जो बैंक होता है, जैसे कि मुझे भी बैंक में मेरे को बोला कि बैंक वाला कभी कॉल ही नहीं करता है ये सारे चीज़, तो कभी कॉल नहीं करते, फ्रॉड होता है। तो आप लोग भी सावधान रहिए, बच के रहिए, ताकि मेरा तो हुआ, मैंने गलती भी किया, मेरा पैसा भी गया, पर आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा एक ही मतलब था, ताकि आप लोगों का कोई मतलब किसी का कुछ प्रॉब्लम ना हो और आप लोग भी अलर्ट हो जाए कि ऐसा ऐसा है, दैट्स इट। तो चलो आज तो मैं और अभी नहीं, अभी टाइम है, शाम को मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मतलब 3 साल से 3 साल से मैं सोच रही थी कि मैं एक स्लीपर लूँ, पर वो स्लीपर मैं नहीं लेती थी, सोचती थी कि इतना पैसा तो मुझे क्रॉक का स्लीपर लेना था, तो आज मैं वो फाइनली लूँगी। तो आज मैं जाऊँगी शाम को, तो मैं आप लोग
भी साथ में चली है और वहाँ पे जाके मैं और भी थोड़ा कुछ शॉपिंग करने वाली हूँ शायद, देखती हूँ क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, तो हम लोग साथ में चलते हैं। गाइस देखो शाम को भी आज बारिश हो रहा है, एक्चुअली सुबह से ही हो रहा है, बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है पर क्या करें, काम तो नहीं रुक सकता है और मेरा गाड़ी भी आ गया है, तो चलो जल्दी से अंदर में जाते हैं। एंड मैं ना थोड़ा सा भीग भी गई थी पर ठीक है, कोई बात नहीं है, बरसात का मज़ा ही अलग है, पर थोड़ा सा भुट्टा मिल जाता तो बात ही अलग होता, पर मुझे अभी भुट्टा कहाँ मिलेगा, मैं तो जा रही हूँ मॉल और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रही हूँ क्योंकि म्यूज़िक सॉफ्ट म्यूज़िक और बारिश गिरे और आपका बॉयफ्रेंड और हस्बैंड या फिर कोई भी दोस्त वगैरह हो तो मज़ा ही आ जाता है क्योंकि बातें करते करते जाते हैं। और मैं इधर और उधर देख रही हूँ क्योंकि मुझे सूसू लग गई है यार बहुत जोर की। सो इतना ज़्यादा ट्रैफिक बारिश के बाद फाइनली हम लोग मॉल आ गए हैं और आते ही मैंने पहले वॉशरूम यूज़ किया, उसके बाद मैं अभी हल्का फील कर रही हूँ और आ गई हूँ मैं अपना फेवरेट साउथ सिटी मॉल। यहाँ पे आपको हर एक ब्रांड मिल जाता है और मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि ज़ारा भी यहीं पे ही है, कोलकाता के सिर्फ एक ही मॉल में ज़ारा है वो है साउथ सिटी मॉल। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपना फेवरेट शू लेने जा रही हूँ, क्रॉक, मेरा फर्स्ट क्रॉक होगा, इससे पहले मैंने कभी लिया नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो कभी सोच सोच के थोड़ा बहुत लेना होता है। एंड यहाँ का कलेक्शन भी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं देख रही हूँ कि मैं क्या लूँ ना लूँ और ख़ुद को भी निहार रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा कलर में लूँ ताकि मैं हर एक ड्रेस के साथ या फिर वेस्टर्न के साथ उसको यू नो कैरी कर पाऊँ, तो मैं वही कलर थोड़ा सोच रही हूँ। पर ब्लैक भी मतलब ब्लैक उतना ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है तो देखते हैं कौन सा ले रहे हैं, मेरे को तो भैया लोग ट्राई करवा रहा है एंड ब्लैक वो दिखाया मुझे अच्छा लग रहा था बट मुझे ये वाइट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल भी है और इतना ज़्यादा लाइट वेट है, अब समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, तो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है एंड लाइट वेट भी है बट मेरा साइज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं थोड़ा चल के देख रही थी तो मुझे ये ठीक लगा, पर मुझे साइड एक साइज में अगर बड़ा मिल जाए मुझे तो परफेक्ट रहेगा, तो भैया ने बोला मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रही सारे स्टिकर, तो साइज़ तो मिल गया है, अब मैं अपना मनपसंद स्टिकर ऐड करूँगी तो मैं देख रही हूँ कौन सा वाला मैं लूँगी, अब लड़की हूँ तो लड़की वो वाला, पर ये सारी चीज़ करके ना पूरा प्ले प्ले लग रहा है और पूरा बचपन वाला फील आ रहा है क्योंकि ये जो स्टिकर है ना ये ना लाइट भी इसमें ना लाइट भी जल रहा है, सो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है और मैं एकदम आप लोग देख ही रहे हो लड़की हूँ तो लड़कियों वाला ही चीज़ मैं लगाऊंगी। एंड मेरा बॉयफ्रेंड भी बेज वाला जो क्रॉक है उसने वो लिया, तो लड़का है तो मस्क्यूटो वाला लिया है तो ऑफकोर्स वो तो ऐसे ही लेगा, सो मैं अपना चीज़ देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ पर मेरे को और 2-4 स्टिकर चाहिए था तो वो भी मैं देख रही थी और मेरा बॉयफ्रेंड का भी शू में वो भी लगा रहे थे, वो मुझे पूछ रहा था कि मैं कौन सा वाला क्या लगाऊं, तो मैंने बोला यही सारे चीज़ तो लड़कों को पसंद आता है तो तुम देख लो तुमको जो सही लगे, तो अपने पसंद से वो भी लगा रहे पर मेरे से पूछ रहा है कि बाबू कौन सा लूँ, तो मैंने बोल दिया कि ये सारी चीज़ लगा लो, तो ठीक है उसने भी लगा लिया एंड हम लोगों का हो गया। तो और मैं एक देख रही थी ये वाला जो साइड है ना स्लीपर, ये 50% ऑफ था, मतलब की साइड में पर ऑफ तो था पर आपको कुछ पसंद नहीं आएगा क्योंकि बेकार वाला डिज़ाइन था, कुछ पसंद नहीं आने वाला है, बहुत ही ओल्ड डिज़ाइन था, मे बी इसीलिए जो कलेक्शन था इसीलिए ऑफ रखा था, तो मैंने वाइट वाला लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हर ड्रेस के साथ मैं इसको पहन सकती हूँ और ये छोटा वाला देख के ना मेरा दिल का ख्वाहिश हो गया, मेरा जब बच्चा होगा इंशाल्लाह तब मैं उसके लिए छोटू छोटू वाला लेके जाऊँगी, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, ये सारे बच्चे की चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा एक मैं देख रही थी तो भैया मुझे दिखा रहे थे तो ये भी अच्छा तो था पर मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा था क्योंकि वो ब्लैक था, तो मेरा पूरा रेडी हो गया है और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैंने पेमेंट भी कर दिया।
ऑर्डर दे दिया है। और यहाँ पे मैं रोस्टेड आलमंड ले रही हूँ और आलमंड बिस्किट के बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि हल्का मीठा तो रहता ही नहीं है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहता है, हेल्दी भी। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ कि मैं कौन सा वाला कॉफ़ी आज ट्राई करूँगी और मैं अपने लिए रोस्टेड कॉफ़ी भी लेके जाऊँगी क्योंकि मैं हमेशा जब जिम जाती हूँ तो स्टारबक्स का ही मैं पी के जाती हूँ ताकि मुझे किक मिलता है। और एक ब्रांड का है वो भी मैं पी के जाती हूँ, ऐसे नहीं कि स्टारबक्स का ही पीती हूँ, पर जब जब मैं आती हूँ मैं उठा लेके जाती हूँ एक पैकेट करके। तो मेरा सब कुछ हो गया, अब चलो अब खाना पीना थोड़ा खा लेते हैं। किसको स्टारबक्स का कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ का सारे फूड कितना अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं पहले तो उतना नहीं आती थी, मतलब अभी से 2 साल पहले उतना ज़्यादा नहीं आती थी, पर जब से आना शुरू किया है तब से मैं आती हूँ क्योंकि मुझे कॉफ़ी भी बहुत पसंद आता है और यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा ठीक लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो कैलोरी काउंटिंग जो रहता है ना तो मुझे पता चलता है कि मैं कितना कैलोरी ले रही हूँ। दूसरा दिन जिम में जाके मैं हिट करती हूँ। और ये रहा मेरा फेवरेट डार्क चॉकलेट पेस्ट्री और ये 330 ग्राम समथिंग कुछ कैलोरी इसमें है, पर ठीक है ये मैं दूसरा दिन जिम में जाके इसका सब कुछ कर लूँगी। ठीक, तो अभी तो खाने को इंजॉय करती हूँ, एक ही लाइफ है तो खाओ पियो, यस करो। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next. मॉल ऑलमोस्ट बंद होने वाला है क्योंकि हम लोग भी बहुत लेट से आए थे तो सारे जो दुकानें हैं वो सारे बंद हो रहे थे। देखो ज़ारा भी बंद हो रहा है एंड अब पार्किंग चलते हैं। पार्किंग में आने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ आज कि कल मैं कितना ज़्यादा सैड थी और आज मैं ठीक हूँ, सैड थोड़ी सी हूँ बट ठीक हूँ। इंसान गलती से ही सीखता है, मुझसे भी गलती हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, पर चलो कोई बात नहीं, ये मेरा लाइफ का एक सीख रहा कि आगे जाके भी ये सारी चीज़ ना करूँ। और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया ताकि आप लोग भी अलर्ट रहो, आप लोग भी गलती से गलती ना करो। टॉम बाबू मेरा जाग गया है, टाइसन बाबू मेरा सो रहा है। एंड आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना, मैंने अपना कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें शेयर करती हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।